कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका 8 अप्रैल का एकदम रियल पेपर आ चुका है, इस प्रकार का आपका पेपर हूबहू परीक्षा हाल में आपको दिखाई देगा। तो बिना देरी किए आपको पहले प्रश्न पर ले चलता हूँ। इसी के साथ इसका फुल सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्राप्त कराऊंगा। जो आपका पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार का रहेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो आपका आ जाएगा न्यूटन। इसी प्रकार जो आपका नियत वेग से गति वस्तु पर परिणामी बल होगा तो आपका हो जाएगा शून्य। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि अदिश होगी वो आपके आ जाएगी कार्य। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, मैंने टिक मार्क पहले से कर दिए क्योंकि आपको थोड़ी सी जल्दी हो जाए और अच्छे से आप इसे याद कर सके। इसी के साथ जो आपका यहाँ पर रैखिक संवेग आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसी के साथ जो आपका रिक्त स्थान वो भी यहाँ पर मैंने पहले से भर दिया। इसी प्रकार द्रव की सबसे छोटी बूंद है जो आपके पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। इसी प्रकार जो आपका आ जाएगा H/Δ आ जाएगा, जो आपका यहाँ सरल लोचक का जो आवर्तकाल आपका डेड पर निर्भर नहीं करता वो आपका आ जाएगा द्रव्यमान। इसी प्रकार जो आपका सरल आवर्त गति से त्वरण विस्थापन के कारण होता है तो आपका होता है समानुपाती। इसी के साथ देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पर सही जोड़ी है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक नंबर ये रहेगा। इसके बाद जड़त्व की जो माप रहेगी आपकी वो यहाँ पर द्रव्यमान, यदि जो पृथ्वी की आकृति रहेगी वो यहाँ पर दीर्घ वृत्ताकार होगी। इस प्रकार देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम की जोड़ी भी देख लीजिए। साथ साथ एक वाक्य की बात की जाए तो आपका पहले में आ जाएगा 9.8 न्यूटन। इसी प्रकार ये आपका सूत्र जो तीसरे में है, गुरुत्वीय विभाव का जो मात्रा का एमवी में सूत्र रहेगा जूल प्रति किलोग्राम रहेगा। यहाँ पर जो आदर्श गैस के यहाँ पर बल जो कितना होता है तो वो आपका यहाँ पर शून्य होगा। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पांचों प्रश्न आपके प्रश्न चालू होंगे दो दो नंबर के, तो ये देख लीजिए वेग तथा ये आपका यहाँ पर छठा अभिकेंद्रित त्वरण से आपका क्या तात्पर्य है, घर्षण। इसी प्रकार जो आठवां रहेगा वो यहाँ पर रहेगा अभिकेंद्रित बल से क्या तात्पर्य है, गुरुत्वीय किसे कहते हैं, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, या आपका 11वां सरल लोचक क्या है, या आपका 13वां जो आपका यहाँ पर 14वां रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए 14वां, यह आपका 15वां कोहनी संवेग तथा बल आघूर्ण से संबंध स्थापित कीजिएगा, या आपका 16वां, या आपका 7वां सरल लोचक जो यहाँ पर रहेगा आपका, ये आपका यहाँ पर 18वां, और ये आपका जो लास्ट प्रश्न यहाँ पर 19वां। इस प्रकार इसका भी अच्छे से कर लीजिएगा। जो यहाँ पर आपका यहाँ भौतिक जो शास्त्र है उसका 11वीं क्लास का मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन बताया, अच्छे से मेहनत की है, जो बता रहे हैं वो सिर्फ आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और यदि इस चैनल से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।